आखिर क्यों जापान में अब कब्र के ऊपर QR कोड लगा दिया गया है? क्या है इसके पीछे का मिस्ट्री? आखिर कौन से वो समुद्री सांप है जो अपने त्वचा से सांस लेती है? और क्या आप जानते हैं जानवरों के साम्राज्य में सबसे सफल शिकारी, उच्चतम हत्या दर वाला शीर्ष शिकारी शेर, चीता या भेड़िया नहीं बल्कि एक जंगली कुत्ता है? अगर आपके सभी सवालों का उत्तर ना में है तो डोंट वरी, आज इस कॉन्टेंट में आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जापान में अब कब्र के ऊपर QR कोड लगा दिया गया है। जब भी आप कब्र के ऊपर दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की तस्वीर, उसकी जानकारी और एक संक्षिप्त विवरण देखने को मिलेगी उसके बारे में। वैसे QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। नंबर 2, पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लैंडी कोटर, और वहाँ की खास बात यह है कि वहाँ पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों से बांध कर रखा गया है और उसे अभी तक नहीं खोला गया है। दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि 1898 वहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर रहता था जिसका नाम था जेम्स स्क्वायर। एक रात को जब वो उस पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उस पेड़ को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया और तब से वो गिरफ्तार है। मजे की बात यह है कि उस रात उस अफसर ने पिया हुआ था, पर तब भी उसका गिरफ्तारी आज भी चल रहा है। नंबर 3, बहुत से लोग मानते हैं कि कुत्ते कलर ब्लाइंड होते हैं, मगर कुत्ते वास्तव में कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं। हालांकि आपने यह मिथक सुना होगा कि कुत्ते रंग नहीं देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे देखते हैं लेकिन मनुष्यों की तुलना में अधिक सीमित स्पेक्ट्रम में। वे पीले, नीले और बैंगनी रंग की बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन कुत्तों के लिए लाल, नारंगी और हरे रंग में अंतर करना कठिन होता है। नंबर 4, कुछ समुद्री सांप अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये सिर्फ मछली है जिसमें गलफड़े होते हैं, लेकिन समुद्री सांप की कई प्रजातियां हैं जो अपनी त्वचा से भी सांस लेती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोफिश, साइनोसिंटप्स को। जंगली कुत्ता जानवरों के साम्राज्य में सबसे सफल शिकारी है। उच्चतम हत्या दर वाला शिकारी शेर, चीता या भेड़िया नहीं बल्कि यह अफ्रीका जंगली कुत्ता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इन दुबले बड़े कान वाले कुत्तों को मारने की दर 88% होने के लिए जाना जाता है, जबकि रेग्रीन बाज को उनके लक्ष्य का 47% और शेरों को सिर्फ 17-19% मिलता है। थैंक यू।